नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। हम एक बहुत दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं। सोमवार को जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की छात्रा, जो कि पीएचडी की अंतिम वर्ष की छात्रा थी, स्कॉलर थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के यानी कि बायो टेक्नोक लैब में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, ये उसके पिता ने आरोप लगाए कि एचओडी और जो चेयरमैन है संदीप सिंह, डॉक्टर संदीप संदीप व गाइड नमिता, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रही थी और 6 महीने से लगातार मानसिक रूप से वह प्रताड़ित हो रही थी। जब तक छात्रा के पिता ने फिर आरोप लगाया कि संदीप सिंह बराबर 6 महीने से उसकी बेटी पर नजायज संबंध बनाने के यानी कि इलिसिट रिलेशन डेवलप करने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है और बायो नैनोटेक की लैब में जाकर उसने जहर निगल लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने उसके पिता, मृतका के पिता के बयान पर संदीप सिंह, डॉक्टर संदीप जो कि चेयरमैन है इसके, और गाइड नमिता के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। स्कॉलर छात्रा जो कि पीएचडी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही और यानी कि 6 महीने अभी उसके बकाया रहते थे, तो उसने 1.5 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। तो उस सुसाइड नोट में लिखा है कि वह जीवन से हार गई हैं और उसे चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा है, वे अंदर से टूट चुकी हैं और वह किसी के रहनो क्रम पर यानी कि जीना नहीं चाहती थी। उसके पिता और माता बड़े बोल्ड हैं, माता बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। उसने यह भी लिखा कि उसकी माता और पिता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो यह 1.5 पेज का, उसमें इस बात का तो विवरण नहीं किया गया है कि उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन पिता ने आरोप लगाया कि यह चेयरमैन 6 महीने से लगातार उसकी बेटी पर नजायज संबंध बनाने के आरोप यानी कि दबाव बना रहा था और नमिता जो कि गाइड थी वो भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। वहीं जीजेयू के वीसी टंकेश्वर जी ने कहा है कि यह छात्रा स्टूडेंट पीएचडी की छात्रा वहां इस लैब में कैसे गई, ये लैब तो बंद है, वहां जाना वर्जित है, लेकिन ये सारा मामला यानी कि प्रोब इनटू द इंक्वायरी है और इस मामले की जांच की जाएगी कि इसने आत्महत्या जैसा ये कदम क्यों उठाया है। फिलहाल पुलिस ने 306 का मामला दर्ज कर यानी कि दोनों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे असलियत क्या निकलेगी ये तो तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इस तरह से बेटियों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के करने के आरोप लगना ये एक बहुत विचित्र है अपने आप में। गुरु और शिष्य की जो परंपरा चलती आ रही है उसको कैसे तार तार किया जा रहा है, यह एक सबक है कि भी बेटियां सबकी बराबर होती हैं। क्या हम बेटियों को कॉलेज में जाना छोड़ दें, भेजना छोड़ दें? क्या हम बेटियों को यानी कि आगे पढ़ाई के लिए, उस शिक्षा के लिए जाना छोड़ दें? इस तरह से उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का दबाव बनाया जा रहा हो तो ऐसे में पिता और माता के ऊपर क्या गुजरेगी यह तो ईश्वर ही बताएगा। फिलहाल पूरा मामला यानी कि जांच में चल रहा है और पुलिस ने एचओडी चेयरमैन संदीप और गाइड नमिता पर धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों यह बड़ा चौंका देने वाला मामला है, साथ लगते हिसार के अंदर जीजेयू में जो सोमवार को घटित हुआ है। नमस्कार।